10 मुहर्रम के दिन अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें कोई इतराज नहीं, आप करें, आप बेशक यजीद के नाम की कॉन्फ्रेंस करें। हमें सिर्फ ये इतराज है कि आप 10 मुहर्रम के अलावा आपको कोई दिन नहीं मिला, 10 मुहर्रम के दिन आप अहले बैत का जिक्र नहीं करने के लिए तैयार, हमें इससे इख्तलाफ है। तो अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एक दफा अम्मार इब्ने यासर कॉन्फ्रेंस भी करें ना। इस्लाम के पहले शहीद कौन है? हजरत यासर और सुमैया, हजरत अबू सुफियान और हजरत हिंद नहीं है। ये लोग उस वक्त तक क्या थे? पूरी जिंदगी इन्होंने इस्लाम के साथ क्या किया? एंड में मुसलमान हो गए, हम एहतराम करते हैं। लेकिन जो पहले दिन से आखिरी दिन तक इस्लाम के मुजाहिद रहे हैं, उनका नाम लेते हुए आपकी जुबानें सड़ जाएं। फिर आपको लोग पूछेंगे कि अम्मार इब्ने यासिर को किसने शहीद किया, तो आप कहेंगे हजरत अबुल गादिया रजी अल्लाह तआला ने। वो कहेंगे उन्होंने क्यों शहीद किया, तो वो कहेंगे उनको हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने मुकर्रर किया हुआ था जंगे सिफीन में। तो फिर वो आगे पूछेंगे, अच्छा यार मारने वाला भी रजी अल्लाह ने हो, मरने वाला भी रजी अल्लाह ने हो, मरवाने वाला भी रजी अल्लाह ने हो, तो मैं कितने खिलोवा? तुसी को के सारे ठीक। कहेंगे यार समझ नहीं आ रही। वो फिर मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा जी बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो जमात दोजख की तरफ बुला रही होगी, तो अम्मार का साथी बात, मसला हल। और ये मेरा मुकदमा आप गोरों की अदालत में ले जाए, वो भी फैसला कर देंगे। ये हो नहीं सकता कि मारने वाला और मरने वाला दोनों को आप एक पलड़े में रखें, ना ना ना, ये हो नहीं सकता। ठीक है,